हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आज के इस वीडियो में आपको मिलेगा आगे का गेम प्ले, और अगर आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आप जाके ऊपर आई आइकॉन में मैं डाल दूंगा, और आपको एंड स्क्रीन पे भी मिल जाएगा फर्स्ट पार्ट का लिंक, तो आप वहां से देख लेना। तो फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पे आगे खेलने वाले हैं, और आगे देखते हैं इस गेम में और क्या क्या होता है। अभी तक तो काफ़ी अच्छा था, बट कोई बॉस फाइट अभी तक नहीं हुआ है, तो उतना खास मज़ा आया नहीं है। बस वो हो जाए तो मज़ा ही आ जाए। अभी मैं यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहा कि आखिर यहाँ पे जाना किधर है, क्योंकि ये खरगोश है और पता नहीं क्या क्या इधर सीन यहाँ पे बना रखा है। तो चलो अभी आगे चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं कि आगे करना क्या है। उधर तो कुछ था नहीं, और इस झोपड़ी के ऊपर कोई है। अभी इससे थोड़ा इंटरेक्ट करते हैं और देखते हैं, शायद ये रास्ता बता दे या फिर कोई क्लू दे दे कि हम लोग को आगे करना क्या है। ये छोटा वाला तो हमेशा मस्ती ही करता है, चाहे कुछ भी हो जाए, सिचुएशन कुछ भी हो, ये हर बार मस्ती ही करेगा। और ये यहाँ पे इसने बताया कि हमें इधर जाना है। देखो यहाँ पे रास्ता तो है, बट ये ब्रिज सा है और ये अभी उठा हुआ है, तो यहाँ पे जरूर कोई पजल होगा जिसको कि हम लोगों को सॉल्व करना होगा, तो फिर ये ब्रिज नीचे जाएगा, या फिर देखते हैं अगर कोई और यहाँ से उधर जाने का वे हो तो देखते हैं, उस पाथ को जरा एक्सप्लोर करते हैं। और यहाँ पे ये क्या कर रहा, देखो इसने अच्छे से बिहेव किया। अब ये बच्चा जो है ये जरूर कुछ खुरापात यहाँ पे करेगा। भाई कतई जहर है, ये उड़ा दिया इसने तो। और मुझे लग रहा है ये यहाँ पे ये व्हील जो है, क्या यहाँ पे कुछ होगा। ओके हाँ ये ओके वेट, जब मैं इसे घुमाना बंद करता हूँ तो ये ब्रिज ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए स्पीड से मैं पार करने का कोशिश करता हूँ एक बार। इससे पहले मैंने पार किया, अभी मैं दूसरे मदद से यहाँ पे पार करूँगा, लेकिन ये ऊपर उठ जा रहा तो ऐसे नहीं होगा। उधर भेड़ है, अगर भेड़ को मैं इधर ला दूँ तो शायद कुछ हो सकता है। और ये छोटा वाला जो कि भाई है, ये उठा नहीं पा रहा, तो हो सकता है मुझे पहले सारा भेड़ उड़ा के देखने को कि ये सबको ठीक से उठा पा रहा कि नहीं। ये बस सबको प्यार ही कर रहा है, किसी को उठा नहीं पा रहा। तो क्या मैं अपने दोनों ब्रदर को एक्सचेंज कर दूँ इन दोनों का प्लेस, छोटे भाई से इस व्हील को राउंड रोटेट करवाता हूँ और फिर इसको जो की है उधर लेके जाता हूँ बड़े ब्रदर को। अरे यार ये तो अटक गया, बाहर आ जा, अभी आ जा बाहर। ओह आ गया, मुझे तो लगा ना कि अभी गेम को स्टार्ट करना पड़ेगा यहाँ से। होता है कभी कभी ऐसा। क्या ये बिग ब्रदर उठा पाएगा उसे। वाह सही है, मेरा अंदाजा सही था, ऐसा ही कुछ करना था। यार ये भेड़ काफी भारी है, क्योंकि इतना स्लो हो गया है इसका चाल। और इसको यहाँ पे मैं डालूं कैसे, अभी छोड़ इसको छोड़। चलो सही है, ये खुलेगा ना। ओके अभी हम लोग यहाँ पे पार करते हैं और देखते हैं आगे का, एक्सप्लोर करते हैं कि यहाँ पे और हम लोगों को क्या चैलेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। वाओ यहाँ का ग्राफिक्स भी अच्छा है, और एक तरफ नदी है और एक तरफ देखो पूरा खाई सा दिख रहा है। नीचे का व्यू देखो यार, कमाल का है। बट मुझ ओके यहाँ पे काफी घूमने के बाद पता चला कि रास्ता आगे से है, जो कि यहाँ पे ये हल्का सा आपको दिख रहा है, यहाँ से रास्ता है आगे का। और नीचे का देखो, वहाँ पे हम लोग जहाँ पर कि डॉगी था फर्स्ट पार्ट में, वो वाला सीन है नीचे। आपको नीचे वहाँ दिख रहा होगा, वो रहा डॉगी, और यहीं से हम लोग आए हुए थे। तो एक ही जगह है जहाँ पर कि ये अलग पूरा घुमा रहा है, तो पता नहीं कुछ न्यू मिलेगा। अबे यार ये क्या है, यहाँ पे हल्का सा साउंड ग्लिच है, बट ये राक्षस यहाँ पे रो रहा है शायद।
सो गाइज यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्या हम लोगों की अभी लड़ाई होगी? वैसे इसका मूड तो नहीं लग रहा कि ये लड़ेगा। ओके, ये राक्षस हम लोगों को अभी आगे का रास्ता बताने वाला है। तो अभी हम लोगों को इस राक्षस के पीछे जाना है और शायद ये राक्षस हम लोगों को लेके जाएगा इस वे तक, जो भी इस नक्शे में यहाँ पे मैप पे जो भी है वहाँ तक ये राक्षस हम लोगों को लेके जाएगा, क्योंकि आगे तो रास्ता शायद से ब्लॉक है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। ये क्या कर रही है? ओ भाई, उठा लिया इसने तो। अबे फेंक दिया। ऐसे कौन करता है यार? क्या इसको भी फेंकेगा? भाई ये दोनों लड़के ना काफी मजबूत जिगर वाले हैं। अगर नॉर्मली किसी को सच में ऐसे फेंका जाए तो ऊपर तो वो जरूर पहुंचेगा बट चिपक जाएगा जाकर धरती में। व्यू मस्त है यहाँ का। सो चलो अभी हम लोग आगे जाते हैं। उम्मीद है उस राक्षस से, मैं अभी बोलने वाला था उस राक्षस से पीछा छूटा, लेकिन बट ये यहाँ पे हेल्प करने वाले हैं आगे के रास्ते तक जाने के लिए। ओके, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। मुझे लेके जाना होगा। मैं इंतज़ार कर रहा था कि वो ऑटोमेटिकली जाएगा बट मैं फिर मैंने जब जॉयस्टिक को मूव किया तो फिर वो आगे जा रहा। तो यहाँ पे क्या अभी राक्षस वहीं पे रुक जाएगा या फिर वो अभी और आगे आएगा? खैर छोड़ो, उस राक्षस से पीछा छूटा और हम लोग अभी आगे कंटिन्यू करते हैं। वैसे भी अजीब लग रहा था, उसके पीठ पे कुछ बना हुआ था। आप लोगों ने ध्यान दिया? तो चलो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और पहले देख ले, थोड़ा कैमरा एडजस्ट कर ले यहाँ पे। वेट, ये राक्षस यहाँ पे फिर से आ रहा। अब ये देखो, मैं आपको बता रहा था ना कि राक्षस के पीठ पे कुछ बना हुआ, ये आपको वीडियो में पता चल रहा कि नहीं, बट ये मशरूम उगा हुआ है यहाँ पे। क्या पता ये खाता होगा। ओके, तो अभी राक्षस से पीछा नहीं छूटा है ये, अभी और आगे तक हम लोगों का हेल्प करने वाला है उस मैप में जो भी लोकेशन है वहाँ तक पहुँचने के लिए। अभी तक तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है और ये राक्षस वाला पार्ट थोड़ा गेम को और इंटरेस्टिंग बना दिया है और इंटरटेनिंग भी। क्या अभी यहाँ पे फिर से उठा के फेंकेगा? ओके, ये बता रहा है कि ऊपर जाना है। वैसे चल चल, बाप को मत सिखा। वैसे ये गेम 3D होके भी 3D नहीं है, ये आई थिंक 2.5D है ऐसा कुछ, क्योंकि पूरी तरह से ये 3D नहीं है, या फिर है पता नहीं, थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव पे कैमरा है तो शायद इसलिए नहीं लग रहा, या फिर ऊपर का व्यू है क्योंकि व्यू तो चारों तरफ घूम पा रहा है। और चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ से क्या करना है? ये फिर से ब्रिज बनेगा। ये फिर से फेंकने वाला है। ओ भाई, इतना दूर तक फेंका भाई, बच्चे का कुछ उम्र निकल जाएगा। ओ, ये भी कूदा। ले
लगता है अभी चैलेंजेस यहाँ पे और भी टफ होने वाला है, क्योंकि यहाँ का भी आप जैसा कि देख पा रहे हो, पाथ जो है यहाँ पे है नहीं, बस हम लोग किसी तरह बना के जा रहे हैं, और कंट्रोलिंग भी थोड़ा अजीब हो रहा। ओ भाई ये क्या हुआ, वो गिर कैसे गया? ओके मेरा फॉल्ट है, क्योंकि मैंने जॉयस्टिक को वहाँ पे, यहाँ पे इसमें होता क्या है, किसी भी चीज़ को ग्रैब करने के लिए आपको जॉयस्टिक को थोड़ा सा प्रेस करके रखना पड़ता है, तो मैंने वो रिलीज़ कर दिया था। मैं ऊपर की तरफ खींचे हुए था और साइड में, बट मैंने उसे थोड़ा रिलीज़ सा कर दिया था, तो वो नीचे गिर गया। नहीं, अभी तू ऊपर चढ़, अभी चढ़ना, चढ़ता क्यों नहीं। अभी पहली बार ऐसा हुआ है कि राक्षस आगे तक जा रहा है और ये मुड़ गया। क्या ये फिर से फेंकने वाला है? अब किधर फेंकेगा भाई, वो ये कर क्या रहा है? अबे मत खोल, मर जाएगा साला। ओ भाई क्या हम लोग अंडरग्राउंड आ गए हैं? शायद हम लोग पहुंच गए क्या? ये हो क्या रहा? नहीं अभी शायद नहीं पहुंचे, या फिर पहुंच गए, या फिर अभी। वैसे हम लोग, एक बात तो कंफर्म है, अभी हम लोग अंडरग्राउंड आए हुए हैं उस माउंटेन के जिसपे कि हम सब चढ़ रहे थे, तो क्या पता फिर से उसी पाथ पे लेके जाए। चलो आगे एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं क्या हो क्या रहा इधर। आप देख पा रहे होंगे यहाँ का ग्राफिक्स का जो कि कलर वगैरह सब है, वो थोड़ा इम्प्रूव हो गया है और पहले से काफ़ी अच्छा है। अभी करना क्या है, क्या यहाँ जाना? अभी यहाँ पे हम लोगों के सामने नेक्स्ट लेवल आने वाला है, और शायद से हम लोग पहुँच गए जो भी मैप पे था रास्ता, जहाँ जो भी लोकेशन था उस पे, वहाँ हम लोग पहुँच गए। अब बस यहाँ पे एक बॉस फाइट हो जाए तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि काफ़ी देर से कुछ लड़ाई वड़ाई हुई नहीं, ये पजल नहीं सॉल्व करना है, इधर उधर बस घूमना ही है, तो थोड़ा सा बोरिंग सा होने लगा है। लेकिन चलो देखते हैं आगे, हो सकता है गेम में कुछ और भी ज़्यादा मज़ेदार हो। बस एक बार फाइट करवा दे फिर तो मज़ा ही आ जाए। तो राक्षस का साथ शायद यहीं तक था, क्योंकि वो अंदर आ नहीं पाएगा, और देखते हैं वैसे क्या पता वो ऊपर से कहीं चढ़ बढ़ के आ जाए। ओके ये लीवर है, मैं इसे घुमाता हूँ, शायद ये गेट ओपन करने के लिए है। बढ़िया। तो गाइज यहाँ से आगे एक और जर्नी स्टार्ट होने वाली है गेम में, तो मैंने तो इसे पूरा कर लिया और बाद में ओवरवॉइस कर रहा, तो अभी के इस पार्ट में इतना ही, और नेक्स्ट पार्ट आपको मिलेगा कल या परसों, क्योंकि इसको मैं आपको बस या कट करके सीन सब दिखा रहा, क्योंकि कभी कभी पाथ को एक्सप्लोर करने में काफ़ी टाइम लग जाता है।